हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सानिहाए मॉडल टाउन पर तख्ते लाहौर गिराने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन का पावर शो। मॉल रोड पर कंटेनर तैयार, कुर्सियां लग गई। चेरी क्रॉस से जीपीओ तक रास्ते सील, इर्द गिर्द के तालीमी इदारे और तजारती मराकज बंद। हुकूमत के खिलाफ सियासी मैच, साहिल कादरी की टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, शेख रशीद, परवेज इलाही, मुस्तफा कमाल सब एक स्टेज पर होंगे। कप्तान की एंट्री साबिक सदर की तकरीर के बाद होगी। दरख्वास्त, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। होम सेक्रेटरी क्यों नहीं आए? पंजाब हुकूमत ने क्या इकदाम किए? अदालत का इस्तफसार। मॉल रोड पर एहतजाज, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी। हुकूमती रेट बहाल रखना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। डीसी लाहौर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। मुत्तहिदा अपोजिशन के एहतजाज के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी। सूरत हाल पर कड़ी नजर रखने के लिए रेंजर्स बुला ली गई। ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दे दिया गया। कोई सियासी तराना ना चलाना, सिर्फ मिली नगमे चलाकर खून गरमाओ। डीजी वाली सन्स को पुलिस की वार्निंग। आज शाम चेरिंग क्रॉस माल रोड लाहौर पर मुल्क की पार्टियां इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं के खिलाफ सियासी ऐलान जंग होने जा रहा है और उसकी आज पहला दिन है। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये चोर, लुटेरे, डाकू कानून के दायरे में नहीं होंगे। शेख रशीद वार्म अप होने लगे। डाकुओं के खिलाफ एहतजाज का आज पहला दिन है। कानून की पकड़ में आने तक चैन से नहीं बैठेंगे, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का ऐलान। PSP का वफ्द एहतजाज में शिरकत के लिए लाहौर पहुंच गया। साने मॉडल टाउन पर कराची वालों को भी तकलीफ हुई। जुल्म पर खामोश रहते तो जालिमों के साथी कहलाते। मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। मैसेकर जलियांवाला बाग के बाद सबसे बड़ा कत्लेआम वो मॉडल टाउन का कत्लेआम है। फौरी तौर पे जो मॉडल टाउन मैस्कर है उसका भी सुओ मोटो नोटिस लिया जाना चाहिए। सानेहाई मॉडल टाउन का आज खुद नोटिस लिया जाए। बाबर अवान का मुतालबा, पंजाब पुलिस को शरीफों के घरेलू मासी करार दे दिया। एहतजाज मॉल रोड तक महदूद, रास्ते बंद करने की कोशिश ना की जाए। इंतजामिया को वार्निंग। हुकूमती मोर्चों से भी बयानात की गोलाबारी। एक दूसरे को चोर कहने वाले इकट्ठे कैसे हो गए? दुनिया ने देख लिया, असल इरादे भी बेनकाब हो चुके। साद रफीक की तनकीद। हम लोग जितना जलील ख्वार हुए ना, हमें पता है एक आम आदमी इंसान परेशानी हो सकता है सिर्फ रोड के ऊपर, और कुछ नहीं है। जितने भी धरने आते हैं उन सब धरनों की वजह से हमें कारोबार में मुश्किल होती है। हमें नहीं समझ आती कि हम लोग जो आवाम है हमें किस चीज की सजा है। जो मुल्क के हालात है ना, सियासतदानों ने हुक्मरानों कर दी है, वो जो है परेशानी का बायस है। माल रोड पर एहतजाज से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना। नौ दिन बाद भी जैनब के कातिल आजाद, इकदामात सिर्फ दावों तक महदूद। भट्टा चौक से मशकूक शख्स गिरफ्तार, कसूर पुलिस के हवाले।
پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ اور ایس ایس پی تشدد کیس، اسد عمر، شیریں مزاری اور عارف الوی عدالت پیش، تینوں کی عبوری ضمانت منظور، 23 جنوری کو دوبارہ حاضر ہونے کا حکم۔ انتظامیہ کی غفلت سے سیزنل انفلوئنزا بے قابو، ملتان میں بنائے جانے والے آئسولیشن وارڈز میں سہولیات کا فقدان، اب تک 23 ہلاکتیں ہو چکی۔ سکینگ نہیں آسان، برف کا میدان ہے اور سنبھل کر جانا ہے۔ نوجوان نے ایزی لیا تو کلا بازیاں کھا بیٹھا، فوٹیج انٹرنیٹ پر ہٹ۔ ٹرمپ کی میڈیا دشمنی، نیوز کانفرنس کے دوران سی این این رپورٹر نے سوال کیا تو نظر انداز کرتے رہے، اصرار پر باہر نکلنے کا حکم دے دیا۔ یہ کہ آپ احتجاج ضرور کریں، لیکن یہ دیکھیں کہ آج آپ کی وجہ سے ججز کتنی مشکل سے یہاں پر پہنچے ہیں، اور مال روڈ اور جو مال روڈ پر احتجاج اور جلسے جلوس کیے جا رہے ہیں، اس سے متعلق ایک عدالتی فیصلہ بھی موجود ہے۔ اس پر فل بینچ نے اپوزیشن جماعتوں کے وکیل سے یہ استفسار کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا احتجاج اور دھرنے کا دورانیہ کتنا ہوگا، جس پر سردار لطیف کھوسا نے کہا کہ ابھی تک تو ہم صرف آج کے روز کے احتجاج اور دھرنا کریں گے، لیکن اگر حکومتی رویہ یہی رہا تو پھر ہم اس میں مزید توسیع بھی کر سکتے ہیں۔ جس پر عدالت نے تمام دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو کچھ ہی دیر بعد سنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اشفاق آپ کا۔ سانے ماڈل ٹاؤن پر تخت لاہور گرانے کے لیے متحدہ اپوزیشن کا پاور شو ہو رہا ہے، مال روڈ پر کنٹینر تیار ہے، کرسیاں لگ گئی ہیں، کیا صورتحال ہے وہاں پر جانتے ہیں، ہمارے ساتھی اینکر عمر رباب وہاں پر موجود ہیں۔ رباب بتائے گا کیا ماحول دیکھ رہے ہیں اب وہاں پر، کتنا رش ہے، کتنے قافلے پہنچ چکے ہیں اور کب تک یہ سارا پاور شو شروع ہونے کا امکان ہے؟ بالکل شہزاد، جیسے کہ آپ نے کہا کہ مشن مال روڈ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اسٹیج تیار ہے، کرسیاں یہاں پر لگا دی گئی ہیں، اور متحدہ کا مشن جو ہے مال روڈ، اسے لے کر 12 بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ 12 بجے جلسے کا آغاز ہو جائے گا۔ تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، اور جو رہنما ہے وہ ون بائی ون فردر فردر یہاں پر آتے جائیں گے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ 1:30 بجے کے قریب طاہر القادری اپنی رہائش گاہ سے نکلیں گے اور پھر جلسہ گاہ وہ پہنچیں گے، جس کے بعد جلسہ گاہ کا باقاعدہ جلسے کا آغاز ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پہنچیں گے 3 سے 4 بجے کے درمیان سابق صدر آصف علی زرداری۔ تو اس طرح سے 2 سیشن ہوں گے اس جلسے کے۔ پہلے سیشن میں سابق صدر آصف علی زرداری خطاب کریں گے، جبکہ دوسرے سیشن میں موجود ہوں گے عمران خان، وہ یہاں پر آئیں گے۔ تقریباً 6 بجے کا وقت دیا گیا ہے اور یہاں پر کارکنان سے خطاب کریں گے۔ تو اپنے اپنے قائدین کا ساتھ دینے کے لیے کارکنان یہاں پر موجود ہیں، اور ملک بھر سے مختلف قافلے بھی یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ بتایا یہ گیا تھا کہ جلسہ گاہ میں 3,000 کرسیاں لگائیں گے، لیکن کارکنان کی تعداد کو دیکھتے ہوئے کرسیوں کی تعداد 5,000 کر دی گئی ہے۔ اگر بات کر لیں مرکزی اسٹیج کی، تو مرکزی اسٹیج کو بھی تیار کر لیا گیا ہے، کرسیاں لگ گئی ہیں، قائدین آہستہ آہستہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ 80 فٹ یہ لمبا اسٹیج تیار کیا گیا ہے، جبکہ 40 فٹ اس کی چوڑائی ہے اور 10 فٹ اس کی اونچائی ہے۔ تو اس طرح سے آج کے اس جلسے کو لے کر، اس عوامی تحریک کو لے کر، یہ جو ایک پوری تحریک چلائی جا رہی ہے، اس کے 3 مقاصد دوں گے۔ پہلا مقصد یہ کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو شہدا ہیں انہیں انصاف دیا جائے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ زینب کا قاتل پکڑا جائے اور اسے جلد سے جلد سزا دی جائے، تیسرا مقصد یہ ہے کہ ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کرنے والے کون تھے ان کا بھی بتایا جائے۔ تو اس طرح سے مطالبات لے کر متحدہ اپوزیشن آج یہاں پر اکٹھا ہوگی اور بھرپور عمر آباد، یقیناً آپ کو میری آواز تھوڑی مشکل سے پہنچ رہی ہوگی، لیکن یہ بتائیے گا وہاں پر ڈی جے ولی سنز کو سارا میوزک کا اور ساؤنڈ کا جو ٹھیکہ وہ دیا گیا ہے، کون سی پارٹی کے ترانے اس وقت بجائے جا رہے ہیں وہاں پر؟ ابھی تک تو شہزاد یہاں پر کسی اسپیسیفک پارٹی کے ترانے نہیں بجائے گئے، نیشنل اینتھم یہاں پر ہم نے سنا، ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہاں پر قومی نغمے سنے، ملی نغمے سنے یہاں پر، اور اناؤنسمنٹس یہی کی جا رہی ہیں کہ سب یہاں پر اکٹھے ہو جائیں، قائدین آنا شروع ہو چکے ہیں، وہ یہاں پر آئیں گے اور خطاب کریں گے۔ تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ کسی مخصوص پارٹی کا ترانہ ابھی تک یہاں پہ نہیں بجایا گیا، لیکن جن جن پارٹیز کے کارکنان یہاں پر آ رہے ہیں، اپنی اپنی پارٹیز کی کیپس بھی پہن رکھی ہیں، بیجز بھی
उम्रबाब हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद अपडेट भी लेंगे। इस वक्त सनाउल्ला हमारे नुमाइंदे रीगल चौक पर मौजूद हैं, जबकि हसन रजा मॉडल टाउन में हैं मिनहाजुल कुरान के बाहर, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले सनाउल्ला से पूछ लेते हैं, सनाउल्ला बताइएगा रीगल चौक पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, सिक्योरिटी की क्या पोजिशन है, कितने अहलकार यहाँ पर लगाए गए हैं सिक्योरिटी के लिए? सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम आते हैं और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहीं से ही जनरल पब्लिक को आने की इजाज़त मिलेगी। अभी मैं एक देख सकते हैं कि खारदार तारे यहाँ पे लगी हैं। ये रीगल चौक के पास बीडन रोड है जहाँ पर एक तरफ बाज़ार है, दूसरी तरफ जलसा गाह है। जलसा गाह की तरफ जाने वाला रास्ता जो है वो खारदार तारों से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर टेंट भी लगा दिया गया है। लेकिन मैं बीडन रोड की सूरत हाल भी आपको दिखाऊँगा शहजाद, कि यहाँ पर जो इम्कान किया जा रहा था कि सारा बाज़ार बंद होगा, अगरचे बंद है, मेन जो दुकानें हैं वो बंद है, लेकिन खाने पीने की दुकानें यहाँ पर ज़रूर खुली हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़े से शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, दुकानदार भी यहाँ पर हैं। और इस रोड का मंजर जो है वो एग्जैक्टली ये है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत गहमा गहमी जो है वो दिखाई दे रही है, अगरचे वो गहमा गहमी नहीं जो रूटीन की यहाँ पर होती है। हमने दुकानदारों से भी बात की थी, वो काफ़ी दुकानदार जो थे वो परेशान थे और मुतासिर दिखाई दिए। उनका कहना है कि सियासी जमातें जलसा करी हैं, लेकिन इन जलसे की वजह से उनका जो रोज़गार है वो थोड़ा सा मुतासिर हुआ है। हम कोशिश करेंगे दुकानदारों से बात करने की कि कितनी मुश्किल का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, बताएं कितना कितनी मुश्किल आ रही है आप लोगों को इस जलसे की वजह से? तो है सर, क्यों नहीं है मुश्किल, देखें कारोबार हमारा बंद तो जाहिर बात है मुश्किल ही होनी है। तो कितना मुतासिर हुआ है आपका कारोबार? सर आज अपनी तरफ से ना दुकान बंद होने की वजह से 5,000 अपनी जेब से देना पड़ा मुलाजिमों। जी बिल्कुल, ये छोटे छोटे इनके यहाँ पे कारोबार हैं और यहाँ पर जो दुकानदार हैं काफ़ी मुतासिर हैं। और खाने पीने की जो दुकानें हैं आप देख सकते हैं, जूस की जो दुकानें हैं और ड्राई फ्रूट की जो दुकानें हैं वो खुली हैं, लेकिन आगे जो मेन बाज़ार है और जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद हैं। और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है इस बाज़ार के अंदर भी कुछ जो हैं वो लगाए हुए हैं बैरिक्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खारदार तारे यहाँ पर जो हैं वो लगी हुई हैं। और क्योंकि जनरल पब्लिक का यहाँ पर रास्ता है, पुलिस अहलकारों की बड़ी तादाद यहाँ पर तैनात है और चेकिंग करके ही हर शख्स को अंदर जाने की इजाज़त मिल रही है। जी ठीक है, ना आप हमें अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हम रुक कर लेते हैं मॉडल टाउन का, जहां पे हमारे नुमाइंदे हसन रजा मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। हसन बताइएगा अभी ताजा तरीन क्या सूरत हाल है और क्या टाइम बताया जा रहा है, कब तक यहां से रवानगी मुतवक्के है काफिले की? अभी जो है कुछ ही देर कबल जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिर कादरी की सरबराही में कोर कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें खुरम नवाज गंडापुर और नूरुल्लाह सिद्दीकी समेत दीगर इनके सीनियर रहनुमा जो है वो शरीक थे। और इस इजलास में बताया गया कि जो अमार रोड का जो स्टेज है वो कैसा तैयार किया गया है और किसने किसके साथ बैठा है। जब आसिफ जरदारी साहब वहाँ पर पहुँचेंगे तो उनका इस्तकबाल कौन करेगा, और उन तक पहुँचेंगे तो उनके साथ कौन बैठेगा, उनके लेफ्ट साइड पर कौन बैठेगा, और इसी तरह पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो बाकी कायदीन हैं वो कहाँ पे बैठेंगे, उनकी क्या जिम्मेदारियाँ लगाई गई हैं। और उसके अंदर ये भी बताया गया है कि जैसे अब इमरान खान पहुँचेंगे तो उनके साथ आने वाले कायदीन जिसमें शौकत बाकी और दीगर जो है साबिक गवर्नर पंजाब भी होंगे और दीगर वो, तो उनको कहाँ बैठाया जाएगा, उनकी तकरीर का टाइमिंग उन्होंने तय किया है इस कोर कमेटी के इजलास में। और इसमें यह बताया गया है कि जैसे वो कायदीन पहुँचेंगे, इनके रहनुमा उनके सीनियर क्यादत जैसे पहुँचेगी तो उनको उनका इस्तकबाल जो है फूलों के गुलदस्तों से किया जाएगा, और जो अब सीनियर क्यादत होगी उनके साइडों पे जो है वो छोटे छोटे झंडे पाकिस्तान अवामी तहरीक के, पाकिस्तान के और पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये झंडे जो है ये रखे जाएंगे। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे कंटेनर तैयार किया गया है, कंटेनर अभी फिलवक्त यहीं पर मौजूद रहेगा, ये वहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि इसको तैयार कर लिया गया है, इसको सजा दिया गया है, उसके अंदर सोफे रख दिए गए हैं, कुछ किताबें भी रख दी गई हैं, लेकिन वो वहाँ पे जलसा का नहीं जाएगा, वो यहाँ पर मौजूद रहेगा। क्योंकि डॉक्टर ताहिर कादरी यहाँ से अपनी गाड़ी पर यहाँ से जलसा का पहुँचेंगे, तकरीबन नमाज जोहर की अदायगी के बाद 1:30 बजे के करीब यहाँ से निकलेंगे और वहाँ पहुँचेंगे तो उनके साथ जो है दीगर क़यादत भी मौजूद होगी और पूरा प्रोटोकॉल उनका मौजूद होगा, वो प्रोटोकॉल जो सरकारी तो इस वक्त नहीं है, इस वक्त जो देखने में आ रहा है वो ये है कि उनका ठीक है। हसन हमारे साथ रहेगा, एक दफ़ा फिर हम उम्रबाब का रुख करेंगे। उम्रबाब आप बताइएगा अब क्या जो सीटिंग अरेंजमेंट है वहाँ पर, आपने कहा कि कुर्सियों की तादाद बढ़ा दी गई है, क्या खवातीन के लिए कोई अलग इंक्लोजर भी बनाया गया है वहाँ पर? बिल्कुल शहजाद, खवातीन के लिए अलग इंक्लूजर बनाया गया है, खवातीन की सीट जो है वो आगे लगाई गई हैं, मर्द हजरात जो है वो पीछे बैठेंगे। तो इस तरह से 3,000 कुर्सियां थी लेकिन अब ज्यादा तादाद एक्सपेक्टेड है कारकुनान की, तो 5,000 ये कुर्सियां लगा दी गई हैं। खवातीन यहां पर पहुंचना शुरू हो गई हैं, हमने देखा कि पीटीआई की खवातीन भी यहां पर आई हैं और अवामी तहरीक के यहां पर खवातीन मौजूद हैं, साथ ही साथ दीगर सियासी जमातों के कायदीन यहां पर पहुंचेंगे तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए यहां पर कारकुनान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो सेशन होंगे
होंगे। पहले सेशन में ताहिरुल कादरी खिताब करेंगे और फिर उनके बाद दावत खिताब दिया जाएगा आसिफ अली जरदारी को, जिनके बारे में बताया गया है कि 3 से 4 बजे के दरमियान वो जलसागाह पहुंचेंगे और उसके बाद मगरिब के करीब पहुंचेंगे इमरान खान यहाँ पर और फिर जलसागाह से खिताब करेंगे। रुबाब तो ये भी बताएगा, अमूमी तौर पर हमने देखा है कि जब पीटीआई के जलसे होते हैं तो जोशो जज्बा बहुत दीदनी होता है, तो आज की क्या सूरत हाल है, गर्मा गर्मी का माहौल है यहाँ पे या क्या सिचुएशन, क्या मनासर देख रही हैं आप? अच्छा, यहाँ पर तो अभी इस तरह से सूरत हाल है कि 12 बजे जलसा आगाह का बताया गया था कि जलसे का आगाज़ हो जाएगा, लेकिन चूंकि अभी ताहिरुल कादरी यहाँ पर नहीं पहुँचे, कायदीन यहाँ पर नहीं पहुँचे, तो उस तरह का जोश व जज्बा अभी फिलवक्त देखने में नहीं आ रहा, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि जैसे ही कायदीन यहाँ पर आ जाएंगे और खिताब शुरू होगा तो कारकुनान का जोश और वलवला भी जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर किसी भी जमात के स्पेसिफिक पार्टी तराने तो नहीं बजाए जा रहे हैं, हाँ लेकिन यहाँ पर कौमी तराने बजाए जा रहे हैं, जोश व वलवला इस तरह से यहाँ पर जो मौजूद कारकुनान है उनका बढ़ाया जा रहा है, मुख्तलिफ यहाँ पे अनाउंसमेंट्स भी की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि रुबाब हमारी एंकर पर्सन, इसके साथ साथ सनाउल्ला और हसन रजा हमें अपडेट कर रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया।